बड़ी बड़ी जरूर दिल्ली से हूँ, लेकिन मैं दिल से हृदय से बिहारी हूँ। इनकी तो तीन पीढ़ी निशानेबाजी, दादाजी निशानेबाजी में थे, पिताजी थे, चाचा जी बैठे हैं, इसमें तो पैतृक गुण है इस चीज के। कॉमनवेल्थ गेम्स राष्ट्रमंडल खेल का जो का रिश्ता हमारे परिवार से बहुत पुराना, दर्द का और पीड़ा का रिश्ता है। गोल्ड कोस्ट ऑस्ट्रेलिया में भारत का परचम लहरा चुकी बिहार की बेटी श्रेयसी सिंह, कॉमनवेल्थ गेम्स 2018 में डबल ट्रैप शूटिंग में स्वर्ण पदक विजेता श्रेयसी। पहल संस्था की ओर से आयोजित कार्यक्रम में संस्था के अध्यक्ष ने राज्यपाल से श्रेयसी को बिहार का ब्रांड एम्बेसडर और साथ ही डीएसपी रैंक की नौकरी की मांग की, जिस पर राज्यपाल ने कहा, मैं सेक्रेटरी साहब से पूछ रहा था कि अगर मैं कर सकता हूं तो मैं अभी अनाउंस कर देता हूं, लेकिन अगर मैं नहीं कर सकता तो मैं आज ही जाके मुख्यमंत्री जी को दोनों सिफारिश भेज के फोन पे बात करके। खेल मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ से श्रेयसी ने शूटिंग की प्रारंभिक ट्रेनिंग ली और पिता के गुजर जाने के बाद 2018 के राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पर निशाना साधा। शूटिंग से मेरा जुड़ाव बचपन से ही रहा। 2007 में मैंने अपने इस लगाव को अपने पिताजी के सामने रखा और उस वक्त के निशानेबाज जो हमारे लिए ओलंपिक बीजिंग ओलंपिक में सिल्वर मेडल लेकर आए थे और वर्तमान में हमारे खेल मंत्री हैं राज्यवर्धन सिंह राठौर ने मुझे पहली प्रारंभिक प्रशिक्षण दी। साल 2008 में राष्ट्रमंडल खेलों का ये सफर मेरा शुरू हुआ, परंतु 2010 में मेरे पिताजी गुजर गए और उनका ये सपना मैं उनके आंखों के सामने पूरा नहीं कर पाई। 2014 में कुछ अंक कम होने के कारण मैं रजत पदक जीती। मैं पली बड़ी जरूर दिल्ली से हूँ, लेकिन मैं दिल से हृदय से बिहारी हूँ। इस मंच के द्वारा मैं राज्य सरकार से ये गुजारिश करती हूँ कि युवाओं में खेल कूद की तरफ एक जागरूकता बढ़ाई जाए। पूर्व सांसद और श्रेयसी की माँ पुतल कुमारी ने श्रेयसी के जीवन से जुड़े कुछ अनसुने किस्से भी सुनाए। ऐसी माँ थी जो बच्चों को 100 रुपये भी देती थी कभी खाने के लिए तो मैं से उनसे हिसाब जरूर लेती थी। खान मार्केट में अगर बच्चे गए हैं खाना खाने के लिए तो पूछकर आते थे तो मैं पूछती थी कि कितने पैसे वापस बचे, क्या खाया तुम लोगों ने, ये हिसाब में पैसे पैसे कर उनको देती थी। जूनियर वर्ल्ड कप श्रेयसी जीत कर आई थी, जमुई के लोगों ने सम्मान किया था और जगह जगह पर पटना में नहीं जमुई में और दिल्ली में सम्मान का कार्यक्रम आयोजित हुआ था। तो श्रेयसी ने ऐसे बैठे, हम लोग सब बैठे हुए थे, बहुत पारिवारिक माहौल था। श्रेयसी ने कहा कि पापा कौन अभी देखे जो बॉयज जीत कर आए हैं उनको हरियाणा सरकार ने इतने लाख रुपए मिले हैं, पंजाब सरकार ने इतने लाख रुपए दिए हैं और बिहार सरकार ने कुछ नहीं दिया कि पंजाब और बिहार पंजाब सरकार हरियाणा सरकार इतनी अच्छी कैश राशि देती है, अब तो हम हरियाणा से खेलते हैं। हंस रही थी श्रेयसी, मजाक हो रहा था, हम था बहुत घरेलू लाइट बहुत था। दादा बैठ अखबार पढ़ रहे थे, अखबार पढ़ते हुए दादा ने बिना नज़र उठाए कहा कि बेटी बेटा माँ बाप गरीब हो जाते हैं तो बच्चा घर नहीं छोड़ देता। राष्ट्रमंडल खेल का जो का रिश्ता हमारे परिवार से बहुत पुराना, दर्द का और पीड़ा का रिश्ता है, तकलीफ का रिश्ता है। कॉमनवेल्थ गेम्स के तैयारी के लिए दादा उसको ऑर्गेनाइजिंग करने के लिए थे और हम लोग सब लंदन गए थे और वही एक कठिन परिस्थिति, विकट परिस्थिति ने हेतु ने अपना रास्ता बदल दिया था। जो कड़े फैसले ले लिए थे, समय बहुत मुश्किल था, डॉक्टर इलाज कर रहे थे और तभी सूचना आई कि दिल्ली में कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए ट्रायल्स चल रहे हैं और अगर इस ट्रायल में अगर हिस्सा नहीं लिया तो उनको खेलने की अनुमति नहीं दी जाएगी। दादा चाहते थे कि श्रेयसी निशानेबाजी में अच्छा काम करे, आगे बढ़े, तो हमने हमारे साथ में और परिवार के लोग थे, हमारी बड़ी बेटी मानसी थी, हम लोगों ने कहा कि बेटा आप लोग डॉक्टर अपना इलाज कर रहे हैं, हम लोग यहाँ पर हैं लंदन में साथ में, आप जाओ अपना काम करो, पापा के सपने को साकार करने का काम करो। और श्रेयसी इस समय आई थी और
दिल्ली के करणी सिंह शूटिंग रेंज में अपना कौशल दिखा रही थी। कुछ महीने के बाद प्रतियोगिता आई, बहुत अच्छा प्रदर्शन करने के बाद भी वो एक इतना बड़ा सदमा से उभरना बहुत मुश्किल समय था, फिर भी इसने बहुत मजबूती के साथ, बहुत हौसले के साथ इसने ने वो प्रतियोगिता में हिस्सा लिया था और चौथे स्थान पर श्रेयसी आई थी। फिर 2014 में ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स, उसमें इसने रजत पदक हासिल किया और आज ये स्वर्ण का पदक जीतकर आई थी।